दिल्ली के एजुकेशनल एम्बेसडर बने सोनू सूद। केजरीवाल से मिलकर बोले, अच्छा काम कर रही है सरकार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, क्लिक दी बेल आइकन। जी हाँ फ्रेंड्स, कोरोना काल में लोगों की मदद कर चर्चा में आए फिल्म अभिनेत्रा सोनू सूद ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सोनू सूद और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद दिल्ली के सीएम ने सोनू सूद के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सोनू सूद से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। केजरीवाल ने बच्चों के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। कहा कि सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सोनू सूद के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज वे पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आज इतनी सारी सरकारें जो नहीं कर पा रही हैं, वो सोनू सूद कर रहे हैं। जो भी सोनू सूद से मदद मांगते हैं, वह उनकी मदद करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि गरीब बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। दिल्ली की सीएम ने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए हम देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने को सोनू सूद तैयार हो गए हैं। सोनू सूद ने दिल्ली के एजुकेशनल मॉडल की तारीफ की और कहा कि आप बच्चों की अच्छी शिक्षा तो दे देंगे, लेकिन उनको सही दिशा देने वाला भी होना चाहिए। इन बच्चों को गाइड करने की कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को बच्चों का मेंटर बनने के लिए आगे आना चाहिए। चुनाव लड़ने और आम आदमी पार्टी से जुड़ने के सवाल पर सोनू सूद ने कहा कि लोग हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, राजनीति में आइए। उन्होंने कहा कि किसी भी अच्छा काम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि राजनीति में ही आया जाए। सोनू सूद ने कहा कि ऑफर आते रहते हैं, लेकिन कभी इस विषय में सोचा नहीं। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच राजनीति को लेकर कोई बात नहीं हुई। फ्रेंड्स, सोनू सूद आज दिल्ली के एजुकेशनल एम्बेसडर बन चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कभी भी भुट्टे का डिस्काउंट मत मांगो, खासकर जो मोहम्मद भाई आई है। अगर 20 का भुट्टा मांगे तो 30 का खरीदो, 10 वाला 20 में खरीदो, क्योंकि हम लोगों को जितने स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। मोहम्मद भाई के लिए इतना काम कर रहे हैं कि यहाँ पर इनका शोरूम लगे बहुत।